दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निफ्टी की टॉप गेनर कंपनी का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि इस कंपनी में क्या खास वजह थी जिसके कारण आज ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा हमको मोमेंटम देखने को मिला। स्टॉक जो था तकरीबन 3% से ऊपर की आज स्टॉक ने तेजी बताई ये बनाई है। तो इसके लिए हम आ चुके हैं एंजल वन के एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद सिंपली हम यहाँ पे इंस्टा ट्रेड के ऑप्शन पे आने के लिए डिस्कवर ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे इंस्टा ट्रेड ऑप्शन पे आने के बाद हम ट्रेड नाउ बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने निफ्टी का बाय डिफॉल्ट जो चार्ट है ये ओपन हो जाता है। अब निफ्टी का चार्ट ओपन होने के बाद हमें क्या करना होता है कि हमको वॉच लिस्ट में आना होता है। अगर आपके पास वॉच लिस्ट में आप स्टॉक नहीं है तो आप अपने वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली MADM का जो स्टॉक है इसको आपको क्लिक कर देना है। ये सारा काम आपको इंस्टा ट्रेड पे करना है ताकि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको इजीली पता चल सके। तो यहाँ पे हमने जो इंडिकेटर का यूज़ किया है, हमने यहाँ पे पीवट पॉइंट्स इंडिकेटर का यूज़ किया है। अगर आपके पास ये इंडिकेटर नहीं है तो आप इंडिकेटर ऑप्शन पे आ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे पीवट पॉइंट टाइप करना है। तो जैसे हम PE टाइप करते हैं तो हमारे सामने पहले नंबर पे जो इंडिकेटर आपको देखने को मिल रहा है यही इंडिकेटर हमने लगाया हुआ है। ये आपको सिंपली क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये पिवट पॉइंट का इंडिकेटर लग जाएगा। इसके बाद की सेटिंग में जाने के बाद जो आपको कलर आपको चेंजेस दिख रहे हैं, हमने यहाँ पे कोई अलग से कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो आप यहाँ पे सेटिंग में जा सकते हैं और जो भी कलर यहाँ पे दिख रहे हैं आप अपने मनपसंद कलर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगाया हुआ है, इसके आधार पर हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो पहला सपोर्ट था इसका, अगर हम डेली कैंडल पे हमने चार्ट को लगाया हुआ है, आप डेली कैंडल पे देखने को देख सकते हैं कि यहाँ से जो स्टॉक था इसने एक अप मूवमेंट से स्टॉक ने यहाँ पे गिरावट दर्ज की। और गिरावट दर्ज करने के बाद ये जो लेवल था इसका, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई बार इस स्टॉक ने इसी प्राइस पे जो था तकरीबन 1200 का प्राइस था यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो पहला इसका सपोर्ट तो ये बन जाता है कि यहाँ से स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया और बार बार यहाँ से प्राइस यहाँ से इस सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से वापस प्राइस अपसाइड में जा रहा था। आपने देखा कि यहाँ से भी प्राइस अपसाइड में गया। तो अपसाइड में जाने के बाद जो इसका पिवट पॉइंट यहाँ बन के आया था, जो मिडिल पॉइंट था ये था, तो इसके बाद जो इसका रेजिस्टेंस लेवल आ गया। तो पहला रेजिस्टेंस लेवल इसका ये जो लेवल है इसका 1310 से लेकर 1320 के रेंज है, इसका पहला रेजिस्टेंस का लेवल कहलाएंगा। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक पार कर लेता है तो यहाँ से हमको जो अगला रेजिस्टेंस है ये 1350 से लेकर 1360 के आसपास का हमको देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं और इस लेवल के आधार पे आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। सपोर्ट के रूप में आपको 1200 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ से ये लेवल जो पार हुआ है तो जो अगला सपोर्ट बना है ये 1250 के आसपास का बन चुका है। तो इस लेवल को आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके आधार पर अगर आप यहाँ पे ऑप्शन पे चेन में काम करना चाहते हैं तो ऑप्शन चेन को यहीं से आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद जैसे कि अभी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का ऑप्शन का स्टॉक है जो 1310 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका जो एट द मनी कॉल कहलाएंगा ये 1310-20 का कहलाता है। तो हम इसको 1320 का कॉल ऑप्शन, अगर हमको लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक में हमको अपसाइड में और आगे के लेवल देखने को मिल सकते हैं तो हम कॉल ऑप्शन पे जाएंगे। अगर हमको लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के अपसन स्टॉक में हमको डाउनसाइड में देखने को मिल सकते हैं तो हम इसके पुट ऑप्शन के साथ जाएंगे। फिलहाल मैं एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कॉल ऑप्शन का हमारे सामने यहाँ पर चार्ट लग चुका है। चार्ट को हम यहाँ पर कर देंगे 15 मिनट का। 15 मिनट पे लगाने के बाद हमारे सामने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल 15 मिनट के हिसाब से लग जाते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि इस ऑप्शन ने इंट्राडे के दौरान अपने सारे अहम रेजिस्टेंस को इसने पार कर दिया है और ये पांचवें रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो स्टॉक है इसमें अपसाइड देखने को मिल सकता है तो हमको इसमें भी काफ़ी अच्छे लेवल हमको आगे देखने को मिल सकते हैं। जैसे 24-28 के लेवल हमको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को हिट करता है तो हमको इसमें और ज़्यादा डाउनसाइड के लेवल भी हमको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए है। अगर आप ऑप्शन में वर्किंग करना चाहते हैं तो आप किसी भी ऑप्शन में काम करने से पहले आप अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को शेयर में ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं है, हमारी कोई भी एडवाइस नहीं है। शेयर में ट्रेडिंग करने से पहले आप अपना एनालिसिस जरूर करें या अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होंगी। तो ऐसे एजुकेशन जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, इंस्टा ट्रेड पर हमको फॉलो कीजिए, #IN आप ट्रेड बटी में सर्च करके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ही एजुकेशन जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक थैंक फॉर ज्वाइनिंग। बने रहिए स्टॉक बिजनेस के साथ। नमस्कार।